क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एंथ पावर ऑफ द अदर रूट, देन शो दैट ए सी टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाई एन प्लस वन प्लस ए टू द पावर एन सी होल टू द पावर वन बाई एन प्लस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया कि रूट एक रूट दूसरे का एंथ पावर है, तो हमने मान लिया एक रूट ए है दूसरा रूट ए टू द पावर एन है। तो हमने मान लिया ए और ए टू द पावर एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का रूट है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, ए इंटू ए टू द पावर एन, ए रूट है ना, इसका प्रोडक्ट इतना होगा। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है, ए दोनों में बेस ए कॉमन है, ए कॉमन लेने पर पावर एन इसका प्लस इसका वन यानी प्लस वन इक्वल टू सी बाई ए। अगर वन बाई एन पावर बोथ साइड लें तो एन प्लस वन से वन बाई एन प्लस वन का एन कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ये पूरे पर सी बाई ए टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा। इसको दूसरा नंबर मान लिया। अगेन ए रूट है और ए इक्वेशन है, सम ऑफ द रूट होगा ए प्लस ए टू द पावर एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां पर ए ए इक्वल टू सी बाई ए टू द पावर वन बाई एन प्लस वन है, तो यहां पर ए के लिए इतना प्लस ए के लिए इतना और पूरे पे पावर एन है एन इक्वल टू माइनस बी बाई एन। अब इस ए से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए सी बाई ए है, इसलिए ए टू द पावर माइनस वन ए पावर प्लस ए का मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, सी टू द पावर एन इंटू वन माने एन बाई एन प्लस वन ए पावर ए नीचे इसलिए ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन में एन इंटू वन बाई एन का मल्टीप्लाई करने पर इतना होगा इक्वल टू बी। अब यहाँ क्या करेंगे, बेस यहाँ ए है यहाँ भी ए है, इसका पावर वन है माइनस इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना और सी टू द पावर वन बाई एन। इसी प्रकार यहाँ दोनों का बेस ए है, एक कॉमन ले लिया वन माइनस वन बाई एन सी टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर वन बाई ए पावर इसको प्लस करने पे इतना सी ए इसको प्लस करने पर ए टर्म एन इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वन से वन कैंसिल एन बचा, यहाँ पर ए एन से एन कैंसिल वन बाई एन बचा एन इक्वल टू माइनस बी। इन दोनों में वन बाई एन कॉमन लेने पर पावर क्या बचेगा, ए टू द पावर एन सी वन बाई एन प्लस वन। इन दोनों में अगर हम वन बाई एन प्लस वन कॉमन लें तो ए सी टू द पावर एन प्लस वन, ए माइनस बी इस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, यही टर्म हमें प्रूव करना था।